नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हवालात और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हवालात में आज हम आपको रूबरू कराएंगे जुर्म की दुनिया की कुछ ऐसी खौफनाक दास्तानों से जिन्हें सुनकर और जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर इन खबरों को दिखाने का मकसद आपको डराने का नहीं बल्कि आपको आगाह करने का है। तो आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हवालात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का भारी आतंक है, लेकिन अब जहां पर फर्जी नक्सली भी नजर आने लगे हैं, जी हां, चौकी का नहीं, फर्जी नक्सली कैसे हो सकते हैं। गरियाबंद में कुछ ऐसे ही बदमाश पकड़े गए हैं जो खुद को नक्सली बताकर पंचायतों के सरपंच और सचिवों से वसूली कर रहे थे। ये बदमाश थे तो नकली नक्सली, लेकिन इनकी दहशत असली नक्सलियों से बिल्कुल कम नहीं थी। कैसे थी इनकी दहशत और क्या थे और इनके कारनामे, देखिए इस रिपोर्ट में। फर्जी नक्सलियों के गिरोह का खुलासा, पुलिस की पकड़ में 6 बदमाश। नक्सली बनकर मांग रहे थे रंगदारी, ग्राम पंचायतों से करते थे वसूली। पूर्व नक्सली ने कमाई के लिए बनाया था गिरोह। छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में नक्सलियों की दहशत है। दहशत भी ऐसी है कि उनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठे। नक्सली पुलिस और सुरक्षा बलों को भी नहीं बख्शते। ऐसे में आम आदमी की क्या बिसात। नक्सली अपने मूवमेंट को चलाने के लिए रंगदारी वसूल कर धन जुटाते हैं। इनके प्रभाव वाले इलाके में जो भी सरकारी फंड आता है उसका एक बड़ा हिस्सा तक पहुँचता है। ग्राम पंचायतों में आई विकास की राशि में भी इन्हें रंगदारी देनी पड़ती है। गरियाबंद की कई ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि इन दिनों ऐसी धमकियों से परेशान थे। यानी कि पैसा ऐसा मंगा और बोल दिया कि यानी कि इतना दिन तक देना है, ऐसा कहकर मैं डर से हाँ बोला, अभी तो नहीं है बोला, फिर बाद में दे दिया। कितने दिए? 25,000। फिर 2-4 रोज के बाद फिर आया, फिर 25,000 रुपया खोज कर रखने के लिए बोला, फिर दे दिया। उसके बाद आज के बाद नहीं आएंगे बोला कभी। और उसके बाद फिर एक साल कट गया, उसके बाद फिर चालू कर दिए इन लोग। फिर 2-3 बार आया, फिर वही दस्तक किया, फिर क्या कि फिर वही पैसा मांगा। और उसके बाद फिर नहीं मांगेंगे बोला, सामान दे दो बोला। आमतौर पर लोग नक्सलियों की धमकी की सूचना पुलिस को देने से बचते हैं क्योंकि इसका मतलब सीधे मौत को बुलाना होता है। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसा ही गिरोह पंचायतों से चौथ मांग रहा था जिसके नक्सली होने पर ही शक था। इस आशंका पर गरियाबंद की ग्राम पंचायत जड़जड़ा के सरपंच और सचिव को बार बार पैसे के लिए परेशान किया गया तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी कि आंध्रा वाले हमारे कमांडर है, उसको पैसा चाहिए तो पैसा दो, ऐसे करके बोलते थे, नहीं तो जान मार देंगे, ऐसे बोलते थे। आपने उसे ली भी पैसा? जी। कितना? 2-3 बार करके 1,25,000 पैसे ले लिए। सूचना बड़ी गंभीर थी और जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, इसलिए पुलिस ने सरपंच सचिव को विश्वास में लेकर नक्सलियों के पास पैसा ले जाने का संदेश भेजा और बड़ी संजीदगी के साथ गांव में मोर्चा संभाला। रात में लगभग आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों के आने की आहट मिली तो पुलिस ने इन्हें आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। इस पर बदमाश फायरिंग करने लगे, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो बदमाशों के हथियार खामोश हो गए। इसके बाद पुलिस ने सर्चिंग शुरू की तो 6 बदमाश पकड़ में आ गए, लेकिन ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात। ग्रामीण जिन्हें नक्सली समझ रहे थे वो लोकल बदमाश थे जो नक्सली बनकर लोगों को धमका रहे थे। मुझे सूचना मिली कि कुछ नक्सली जैसे दिखने वाले लोग हथियार लेके ग्राम के सरपंच, उप सरपंच और सचिव ऐसे लोगों से पैसा वसूली करने के लिए आने वाले हैं। इसकी सूचना पूर्व में मुझे मिलता रहा और इसके लिए मैं करीब 1.5 साल से इसको मैं फॉलो करता रहा कि इसकी कुछ चीज़ें जिले में हो रही हैं। जैसे मुझे सूचना मिली तो मैंने अपनी 30 का टीम और अपना स्पेशल टीम को उस जगह में लगाया एम्बुस के लिए और उस जगह में घेराबंदी की कार्रवाई करवाया। तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ से 2 बाइक में अलग अलग 3-6 लड़के उस जगह पर पहुँचे जो उनके पास
एकदम हूबहू AK-47 जैसे दिखने वाला हथियार और SLR जैसे दिखने वाले हथियार और भरमार बंदूक, छोटा पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे देखने, ओरिजिनल जैसे मिलता जुलता है सारी चीजें, और वाकी टाकी लिए हुए जिसमें पुलिस के पास वाकी टाकी रहता है जिसमें मैनुफेक्चर, वो सब रखे हुए चाकू और बड़े गंडा से साथ में लिखे, और जिसमें एक सरदार जी थे और वो उसको नक्सली महिला के रूप में प्रेजेंट करते थे, उसके बाल खोल के रखते थे और उसमें दीदी और स्त्री की बात करके, जिससे सामने वाले को ये लगे कि ये महिला नक्सली भी साथ में थी, बड़े बड़े हथियार लेके आए थे। और इसी डर से मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले एक डेढ़ साल में करीब 10-11 ऐसे जगह से इन लोगों ने अभी तक करीब 17-18 लाख रुपए वसूल कर चुके थे। पुलिस की पकड़ में आए बदमाशों में 2 नक्सलियों की वर्दी में थे। इनमें एक ने लड़कियों की तरह बाल बढ़ा रखे थे, जिसे महिला नक्सली बताया जाता था। गिरोह का सरगना गौतम चक्रधारी पूर्व नक्सली है, जिसने नक्सलियों के नाम का भय दिखाकर वसूली करने के लिए गिरोह तैयार किया था। ये अपने साथ वॉकी टॉकी लेकर भी चलते थे, जिससे किसी को इनके नक्सली होने पर शक ना हो। अचानक जिस ढंग से देख के हड़बड़ाए और उसके आधार पे इसमें पुलिस द्वारा इनको चैलेंज किया गया, इनके द्वारा भरमार बंदूक और उससे जो एयर गन रहता है उसके जैसे फायर किया गया, तो पुलिस को इसको समझ में आया कि ये ओरिजिनल हथियार नहीं है। उसके बाद एक इनको घेराबंदी करके उसको आसपास से दौड़ा के उसको पकड़ा गया। तो 6 आरोपी जो नक्सली बनकर फर्जी आसपास के लोगों को डरा धमका रहे थे, इसलिए उनको मौके पर हम लोगों ने इसको पकड़ा है। और उसके बाद से ये सभी हथियार वाकी टाकी और मंडासे और बाइक ये सभी जब्त हुए हैं, और उनके खिलाफ जिनके यहाँ से जर्जरा के सरपंच और उनके साथ भी लूटपाट जो हुआ था, उनके तरफ से एक FIR हुआ है। और पुलिस के साथ इस ढंग से इन लोगों ने वेपन से फायर करके इनको मारने का प्रयास किया था, उसके ऊपर भी पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करके इनको अभी सभी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस के लिए अपने आप में सफलता है, क्योंकि इस प्रकार के जो अपराध लगातार घटित हो रहे हैं, तो इसमें अंकुश लगेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के गरियाबंद के आम पब्लिक के लिए राहत की सांस है, क्योंकि इस तरीके के जो फर्जी लोग इस तरीके का नक्सली बन के भी, और चूंकि इसमें एक आरोपी तो पहले नक्सली था और उन्हीं के वारदात को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे वाकिफ था उनके कार्यशैली से और इसी धार पे करते रहा, तो इससे कहीं कहीं लोगों को थोड़ा सा सुकून सांस लेंगे कि इस प्रकार के लोग पुलिस के द्वारा पकड़ लिए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने लोगों को समझाइश दी है कि वो ऐसी किसी धमकी से ना डरें और अगर कोई भी ऐसी घटना सामने आती है तो पुलिस को जानकारी दें। उधर इन बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही नक्सलियों के नाम की धमकी के बाद दहशत जदा ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। हवालात के लिए गरियाबंद से लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।